चाची मिल गई है और ये गायब है, ये नहीं मिला। एटा भी गए थे, अलीगढ़ भी गए थे, वहाँ पे नहीं मिली। इलाज चल रहा है अभी? इलाज नहीं, पोस्टमार्टम हो रहा है। हाथरस के सत्संग में कैसे हुआ हादसा? बाबा का दरबार, सैकड़ों मौत के कितने गुनहगार? कैसे, क्या हुआ, किनके साथ आए? भतीजा सर मेरा है। भगदड़ की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। यहाँ अपनों की तलाश में आंखें पथरा गई। आंसू सूख गए। मौत की लाचारी ने एक झटके में सब छीन लिया। सिपाही लाल से सुनिए उनके साथ क्या बीती। भाभी है, भाभी है आपकी। आपकी क्या लगती है? भाभी है। भाभी अकेले आई थी घर से? हुआ अकेले, चार पांच जने आए थे, चार पहुंच गए, ये नहीं आई। मैं तो वीडियो देखी थी, मैंने वीडियो देख के आया था, इन्होंने वहीं पे डाल रखा है। राधेश्याम भी बताते हैं कि मौत की भगदड़ ने उन्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। मोबाइल के जरिए से मालूम पड़ा है, जब घर पर नहीं पहुंची है तो ढूंढा खोजी की ये कहां गई, कैसे गई, तो मोबाइल के जरिए मालूम पड़ा है। जब घर से हम निकले हैं ढूंढा खोजी करने के लिए, अलीगढ़ गए, अलीगढ़ में नहीं पता लगा हमें, फिर मोरचरी में गए, अलीगढ़ में भाभी नहीं मालूम पड़ा, फिर हम इधर गए सिकंदराबाद में, भाभी नहीं मालूम पड़ा, फिर वहाँ पे हमें पता लगा कि हाथरस में आएंगे, जब यहाँ पे आए, जब यहाँ मालूम पड़ी है कि यहाँ पे है। मथुरा के सोहनलाल की कहानी सुनकर भी आपका कलेजा कांप उठेगा। सुनिए कैसे इन्हें अपनों के खोने की जानकारी मिली। फोन देखो खोल के तो आप भगदड़ की हल्ला है रहो, तो यानी फोन करो तो फोन बोलो थाने में आपकी माँ की है, हाँ कृष्णा थाने में मौजूद है तुम्हारा फोन, आपकी माँ की डेथ हो चुकी है। तो जब फिर वहाँ भाग दौड़ करी हमने, अलीगढ़ गई, जहाँ गई, फिर हमें हाथरस में आकर के उसकी बॉडी जाके मिली है सर, इसलिए हमें ऐसे पता पड़ी। कई परिवार ऐसे थे जो अपनों को तलाश रहे थे, लेकिन उनके तलाश उस जगह पर आकर खत्म हुई जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अपनी ननद को खोने वाली इस महिला की कहानी भी ऐसी ही है। कौन थी वो जो गुजर गई? मेरी नंद थी मेरी। कहां से आई थी और कैसे आप लोग जानकारी से आई थी सर? वो यहां पे सत्संग में सिकंदराबाद में, वहां से हम तो कैसे अलीगढ़ से लेकर हाथरस की मॉर्चुरी में लोगों की भीड़ लगी है। हर कोई उम्मीद के एक डोर के सहारे यहाँ पहुँचा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? ये भी सुन लीजिए फरखाबाद के रहने वाले राम नरेश की जुबानी, जिन्होंने मौत की भगदड़ को अपनी आँखों से देखा है। जब संगत चली निकली है तो भोले बाबा जब निकले हैं, निकले हैं तो एकदम भगदड़ हुई। भगदड़ होने से कीच थी, पानी बरसा हुआ, जो गिरा तो गिरते रहा। और कभी अस्पताल, कभी पोस्टमार्टम हाउस, बस लोग तस्वीरों के साथ भटक ही रहे हैं। ये तस्वीरें हैं इनकी माँ की। माँ घर से निकली थी सत्संग में शामिल होने के लिए, लेकिन घर अब वापस नहीं जा पा रही हैं। माँ का पोस्टमार्टम हो रहा है, रात भर ये तलाश किए अपनी माँ को, हर जगह आप अलीगढ़ से लेकर एटा तक ये गए, लेकिन जब हाथरस के जिला अस्पताल पहुँचे तो इनकी माँ मिली
मृत अवस्था में। सूर्यभान आप किसकी तलाश कर रहे हैं? मेरी दीदी आई थी कल सत्संग देखने और 5 साल का लड़का था और पिताजी आए थे तो वही अभी मिल नहीं रही रास्ते। तीनों लोग नहीं मिल रहे? नहीं, पिताजी तो मिल गए थे, दूसरे पंडाल में थे, दीदी नहीं मिली। एक उनका धेवता था आया सत्संग और बच्चा भी बिछड़ गया, वो भी बिछड़ गई, तो एक दूसरे के बिछड़वे के चक्कर में वो मिली नहीं थी, खत्म हो गई। भगदड़ कांड की कहानी का सच यही है कि 120 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन परिवार के आंसुओं का हिसाब कौन देगा।